गुड मॉर्निंग गर्ल्स, आज हम पढ़ेंगे बीएससी पार्ट सेकंड पेपर थर्ड इकोलॉजी एंड बायोस्टैटिक्स के अंतर्गत हम यूनिट थर्ड का अध्ययन कर रहे थे। यूनिट थर्ड में हम आज पांचवें दिन का अध्ययन करेंगे। हम पढ़ेंगे झील में प्रकाशीय स्थिरीकरण, झील में प्रकाशीय स्थिरीकरण लाइट स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ लेक्स। तो जल में भेदन क्षमता के आधार पर गहरी झीलों में तीन स्तर होते हैं। जल में प्रकाश की भेदन क्षमता के आधार पर झीलों के तीन स्तर होते हैं, ठीक है। चित्र में मैं बता रखा है तुम्हें। पहला स्तर है सुप्रकाशित क्षेत्र यूफोटिक, सेकंड है दुष्प्रकाशित क्षेत्र डिस्फोटिक, और थर्ड है प्रकाश रहित अफोटिक, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं सुप्रकाशित यूफोटिक। ये क्षेत्र 53 मीटर की गहराई तक माना जाता है, और जैसा कि नाम से स्पष्ट है, सबसे ऊपर का क्षेत्र होता है सुप्रकाशित, अर्थात झील का अंदर का वह क्षेत्र जिसमें 53 मीटर की गहराई तक प्रकाश अच्छी तरह से विद्यमान रहता है, प्रकाश की किरणें पहुंचती है, इसलिए इसे सुप्रकाशित क्षेत्र कहते हैं। सेकंड है दुष्प्रकाशित डिस्फोटिक। तो ये सुप्रकाशित क्षेत्र के नीचे 80 से 200 मीटर तक का क्षेत्र रहता है। इस क्षेत्र में प्रकाश अत्यल्प होता है, यानी प्रकाश की दृष्टि बहुत कम पाई जाती है। ये यूफोटिक जोन के नीचे का क्षेत्र कहलाता है, जो कि यूफोटिक और अफोटिक जोन के बीच में पाया जाता है। थर्ड है प्रकाश रहित यानी अफोटिक जोन। ये 200 से ज़्यादा मीटर तक गहराई पर पाया जाता है। यहाँ प्रकाश बिल्कुल नहीं पहुँचता है, अंधकारमय होता है, इसलिए इसे प्रकाश रहित क्षेत्र कहते हैं। ये था झीलों में प्रकाश का स्थिरीकरण, जो प्रकाश की भेदन क्षमता के आधार पर तीन प्रकार का था। मैंने गहराई लिखी हुई है, और नाम से तुम आराम से इसके बारे में एक एक लाइन लिख सकते हो। वैसे मैंने बोल भी दिए, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं हम झीलों का वर्गीकरण। झीलें उत्पादन क्षमता के आधार पर तीन श्रेणी में बांटी गई है। फर्स्ट है अल्पपोषी झील ओलिगोट्रॉपिक लेक, सेकंड है सुपोषित झील यूफोटिक लेक, और थर्ड है दुष्पोषी झील डिस्ट्रोपिक लेक। तो आइए देखते हैं हम फर्स्ट अल्पपोषी झील। ये झील अल्पपोषी होती है, मतलब इसमें पोषण कम पाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये अधिक पुरानी नहीं होती और अत्यधिक गहरी होती है। इसका जल पारदर्शी अल्प कार्बनिक पदार्थ वाला, निम्न पीएच वाला, इसकी उर्वर क्षमता अल्प होती है। और इन सब बातों का पता तुम इससे लगा सकते हो कि इसमें नाइट्रोजन फास्फोरस कैल्शियम की कमी होती है, ऑक्सीजन की बहुलता होती है, अल्प पोषक पदार्थ इसमें पाए जाते हैं, आदि इस झील के लक्षण हैं। और इसी कारण इसमें वनस्पतियां और जंतु अधिक नहीं होते हैं। सेकंड है सुपोषित झील यूट्रोपिक लेक। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, ये झील उथली कार्बनिक पदार्थों व फास्फोरस की बहुलता वाली होती है। विद्युत अपघट्य पदार्थों की यहाँ पर कमी होती है, और इसकी फर्टाइल कैपेसिटी ज़्यादा होती है। इस कारण यहाँ वनस्पति और जंतु बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं,
और पल्लवों की बहुत ज़्यादा मात्रा का पाया जाना इसकी एक विशेषता है सुपोषी झील की। थर्ड है दुष्पोषी झील डिस्ट्रोपिक लेक। इस प्रकार की झील में ह्यूमस की अधिकता होती है और ये उथली या गहरी हो सकती है। इसमें ह्यूमिक अम्ल नाइट्रोजन फास्फोरस व कैल्शियम का अधिक होने के कारण कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। विद्युत अवघटे पदार्थ और ऑक्सीजन की कमी इसका लक्षण है। वनस्पति व जंतु वर्ग भी यहाँ पर कम पाए जाते हैं। इस प्रकार झीलों का वर्गीकरण उत्पादन क्षमता के आधार पर किया गया है जो कि तीन प्रकार की होती है, ठीक है ना, ओलिगोट्रोपिक अल्पपोषी, यूट्रोपिक सुपोषी झील और डिस्ट्रोपिक दुष्पोषी झील, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट। झीलों के जीव बायोटा ऑफ लेक। तो बायोटा ऑफ लेक तालाब के समान ही होते हैं। जिस प्रकार के वनस्पति और जंतु तालाब में पाए जाते हैं उसी प्रकार के वनस्पति और जंतु झीलों के अंदर पाए जाते हैं। इसलिए झीलों में पाए जाने वाले जीवों को आप पॉन्ड्स के अंदर पॉन्ड्स वाली पीडीएफ में यानी जस्ट इसके पहले वाली पीडीएफ में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और वहाँ से झीलों के जीवों को आप लिख सकते हो। मैं शॉर्ट में तुम्हें बता सकता हूँ कि तालाब में कौन कौन से जीव पाए जाते थे। तालाब में वनस्पति थी पांच प्रकार की, जिनमें पादप पल्लवक थे, फ्लोटिंग प्लांट तैरते हुए पादप थे, जल में डूबे हुए या जलमग्न पादप थे, जड़ वाले पौधे या मूलीय पादप थे। चार प्रकार के पौधे थे। इसी प्रकार तालाब में जो जंतु पाए जाते थे कंज्यूमर कम्युनिटी के, वह पांच प्रकार के थे, प्लैंकटॉन्स, नेक्टॉन्स, न्यूस्टॉन्स, पेरिफाइटोन और बेंथोस। इस प्रकार झीलों के अंदर पाए जाने वाले वनस्पति वर्ग और जंतु वर्ग को आपके सामने शॉर्ट में बता दिया गया है। अब हम देखते हैं और झील के साथ ही आपका ये लेंटिक हैबिटेट वाला चैप्टर पूरा होता है। लेंटिक हैबिटेट में हमने दो चीज़ें पढ़ी है, पॉन्ड्स को और लेक को। क्वेश्चन बनेगा स्वच्छ जलीय पारिस्थितिकी का, स्थिर जलीय पारिस्थितिकी का, तो वह यहीं से बनेगा। झील का नाम भी आ सकता है, पॉन्ड्स का नाम भी आ सकता है। अब हम चलते हैं लोटिक हैबिटेट, ठीक है। लोटिक हैबिटेट इस प्रकार के आवास के अंतर्गत हम जीवों के उन आश्रय स्थलों का अध्ययन करते हैं जहाँ जल प्रवाहित होता रहता है, जल बहता रहता है। लोटिक यानी लौटना, लौटेगा मतलब चलेगा, ठीक है ना, इससे ठीक है ये, इससे समझना तुम, लोटिक का मतलब चलता हुआ, ठीक है ना। तो लोटिक हैबिटेट में हम उन आश्रय स्थलों का अध्ययन करेंगे, उस पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन करेंगे जहाँ जल प्रवाहित होता रहता है। और इस प्रकार के एग्जाम्पल है अपने नदियाँ झरने और नाले, ठीक है। नेक्स्ट है अपना गतिशील जल आवास, जिसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं या अध्ययन करेंगे, जैसे कि नदियाँ, झरने, नाले। इनकी तीन मुख्य विशेषताएं होती है, कितनी, तीन। गतिशील जल आवास में के स्थिर की तुलना में निम्नांकित तीन मुख्य लक्षण पाए जाते हैं, कौन कौन से। फर्स्ट जल धाराएं
वाटर करंट, सेकंड है भूमि व जल के मध्य अंतर परिवर्तन लैंड वाटर इंटरचेंज, और थर्ड है ऑक्सीजन टेंशन ऑक्सीजन तनाव। तो आइए हम देखते हैं पहला पॉइंट, जल धाराएं वाटर करंट। ठीक है, तो वाटर करंट का जब हम अध्ययन करते हैं तो नाम से स्पष्ट है, गतिशील जल है ना, मोटाइल वाटर हैबिटेट का मेन कैरेक्टर क्या होगा, वाटर करंट। लोटिक हैबिटेट का मेन कैरेक्टर मुख्य लक्षण क्या होगा, वाटर करंट। ठीक है, तो किसी बिंदु से इकाई समय में प्रवाहित हो जाने वाले जल को जल प्रवाह कहते हैं। कोई भी पॉइंट है वहाँ से इकाई समय में यूनिट टाइम में है ना कितना वाटर फ्लो हुआ उसको हम वाटर करंट रेट कहेंगे, जल प्रवाह दर। ठीक है, अब जल जिस गति से आगे बढ़ता है वह रफ्तार क्या कहलाएगी, प्रवाह का वेग, जल की गति। ठीक है ना, जिस गति से आगे बढ़ेगा वह प्रवाह का वेग कहलाता है। ठीक है, अब और देखेंगे अपन इसमें, जब जल के कण एक दूसरे के समानांतर आगे बढ़ते हैं है ना, जब जल के कण एक दूसरे के समानांतर बिल्कुल सीध में आगे बढ़ते हैं तो इस प्रकार के फ्लो को, इस प्रकार के प्रवाह को लेमिनर फ्लो, लेमिनर प्रवाह कहते हैं। लेमिनर मतलब जब जल के कण एक दूसरे के समानांतर आगे बढ़े। ठीक है, और जब जल के कण अनियमित प्रवाह में आगे बढ़े, अनियमित प्रवाह इररेगुलर फ्लो, जब वाटर पार्टिकल्स का इररेगुलर फ्लो हो तो इस प्रकार के फ्लो को टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं, टर्बुलेंट या अस्त व्यस्त प्रवाह कहते हैं। ठीक है, तो ये था वाटर करंट। अब हम पढ़ेंगे सेकंड, लैंड वाटर इंटरचेंज, भूमि व जल के मध्य अंतर परिवर्तन। तुम अच्छी तरह से जानते हो स्थिर जल की अपेक्षा जब प्रवाही जल होता है या जल प्रवाहित होता है तो पानी बहता है तो नीचे भूमि के साथ वह क्रिया करता है, मतलब भूमि और पानी के बीच में क्रिया होती है। ठीक है, और इस क्रिया के अंतर्गत क्या होता है, जो फ्लोइंग वाटर होता है वह मिट्टी को काटता है, सोइल इरोशन करता है, उसको बहाता है और उसको जमाता भी, और तीनों क्रियाएं अपने अपने ढंग से होती रहती है। थर्ड था इसमें ऑक्सीजन तनाव, बहते जल में ऑक्सीजन की मात्रा तुम्हें भी पता होना चाहिए अधिक मात्रा में विद्यमान होती है, जो जल बहता रहता है उसको ताज़ा माना जाता है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बराबर वायु से मिलती रहती है, इस प्रकार के आवास में ऑक्सीजन की कमी कभी नहीं रहती। जल में घुलित अवस्था में प्राणवायु की अधिक उपस्थिति होना गतिमान जलीय आवासों का एक प्रमुख लक्षण माना जाता है, और तुम भी समझ सकते हो बहते हुए जल को ताज़ा जल माना जाता है, साफ पानी माना जाता है, उसके पीछे कारण यही है कि इसमें बराबर वायुमंडल से वायु ऑक्सीजन घुलती रहती है, मिलती रहती है। इस प्रकार आज का अपना पाँचवें दिन का ये चैप्टर ख़त्म हुआ। दो चार सेकंड में मैं तुम्हें बता दूं, कोरोना से सावधान रहने की सख्त ज़रूरत है, कोरोना से बचने का एकमात्र उपाय आपको सावधानियां बरतनी होगी,
भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचे। कभी जाना पड़ता है तो मास्क लगा कर रहें, अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें, और यही प्रिकॉशंस अपने आसपास पड़ोस मित्र दोस्त परिवार वालों को सबको देवें। त्योहारों का सीजन है, त्यौहार बढ़िया धूमधाम से मनाओ, लेकिन सावधानी तो रखनी पड़ेगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।